दूसरों को सम्मान खूब सम्मान मांगे कि नहीं, सारा दुनिया को सम्मान लिए भूखे बोले भैया हम साधु नहीं मिल सकते। मन में तो बड़ी इच्छा थी साधु 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 बन गया, लेकिन साधु नहीं साधु बन गया। इसलिए इसलिए कहते साधु गुरु रूप में कृष्ण आया नहीं दिया। एक साधु का आदर्श कैसे होनी चाहिए, ईश्वर भगवान अपना जीवन में आचरण करते हुए उन्होंने शिक्षा दिया। साधु एक हम लोग को शिक्षा देने के लिए इसलिए महाप्रभु ने राजा का दर्शन नहीं था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा मंत्री को बड़ा मंत्री को उसको बुलाना, बहुत बड़े फेस्टिवल करना और कोई अगर बहुत बड़ा मंत्री आ गया बाहर भाई हमारा राष्ट्रपति कार्यक्रम में कर बुलाया वो भी आया था हमारे पास में, लेकिन महाप्रभु राजा को दर्शन तुम मेरे दर्शन करना नहीं, तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकते हो, माफ नहीं करे तुम मेरा दर्शन करा मुंह देखना तो नहीं चाहता। मतलब महाप्रभु ने कठोर महाप्रभु दर्शन दिया, बल्कि साधक लोगों के लिए साधक लोगों के लिए इसने कठोर आदेश दिया। अभी हम लोग का भजन क्यों हो रहा है, कारण है महाप्रभु का जो आदर चाहिए वो आदर स्वभाव ग्रहण नहीं करते। प्रभुपाद का समय में प्रभुपाद का और प्रभुपाद का शिष्य लोग इतने स्ट्रिक्ट थे कि छोड़ नहीं सकते, अभी तक हम ईश्वर शिष्य का भी जाकर खाना खा लेते हैं और जाकर के ईश्वर शिष्य को बिस्तरा भी सो जाते। हमें प्रभुपाद शिष्य को देखा अपना कहीं जाएंगे अपना बिस्तरा भी चले जाएंगे, किसी की बिस्तरा भी सोएंगे वो अपना बिस्तरा भी सोएंगे, अपना लोटा अपना गुलाब अपना थाला लेकर जाएंगे उसमें छोड़ के तो किसी थाला में वो खाए नहीं, अभी भी उसको इतना मजा इसे इसलिए। और इतने स्ट्रीक जो सोच नहीं सकते इतने स्ट्रीक है खुद दूसरों को हाथ उठाना नहीं, जब तक कोई बिजली तो व्यक्ति नहीं होगा तब तक उसका हाथ तक छुआ हुआ कोई चीज जो छू भी गई उसको भी खाना नहीं पड़ेगी, तुम्हारा मिलता नहीं हुआ तुमने चीज को छू दिया है। अभी भी हमारे कोहरे मठ में रोज मठ में एकदम नियम है, लेकिन जैसे यहाँ पर देखते हैं ना प्राण करना हुआ और दीक्षा क्रिया कुछ नहीं, साधु लोग जिस चीज को खाते बाद की बात हो रहा गर्म लगती है, किसी दूसरे कोहरे मठ में एकदम आवाज नहीं हुआ प्राण लगी करके तुम्हारा दीक्षा नहीं हुआ, तुम किसी चीज को लेकर के छोड़ दोगे परिवर्तन कर दोगे हरिनाम मानने पर भी, अभी भी हमारे गोविंद को हरिनाम मानने पर भी तुमको भरोसे नहीं देखने नहीं देखने मिलेंगे, एक दूसरा को बैठे तुमको खाने नहीं देंगे, जिसने किसी तरह बैठोगे एक पट्टी पर बैठे तुमको खाने पर भी नहीं देंगे सुने पर भी नहीं देंगे। इसलिए ये बैठक की सब निष्ठा नियम को हम पालन नहीं करते हैं, इसलिए वही हमारा भजन भजन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी भक्ति वही नहीं जानी हमारी भक्ति। इसलिए महाप्रभु मन बड़े कठोर भर करके उन्होंने बड़े दर्शन नहीं तो लक्षण को शक्ति को ला करके मिला है, महाप्रभु अपना दर्शन को भेजे उसको पा करके अपना जीवन को वो धन्य मानते और मारे। तब से तो महाप्रभु मेरे बेटे को भी दर्शन दिए आलिंगन दिया, अपना बेटे को उन्होंने आलिंगन दिया और महाप्रभु का वस्त्र ये अभिन्न कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि उनका जो वस्त्र है वो संधिन शक्ति स्वरूप हृदय स्वरूप उनके वस्त्र बने हुए हैं, इसलिए उसको पा करके उन्होंने बड़े प्रसन्न बड़े खुश हुए महाप्रभु। महाप्रभु उस समय तो दर्शन नहीं दिया, महाप्रभु जब जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा था देखने के लिए राजा रथ यात्रा के लिए करता महाप्रभु ने देखा कि राजा होकर के एक वस्त्र पहन करके गले में झंझनियां लगा करके ये स्वयं धर्म राजा आप
अपना प्रजा को सामने झाड़ू लगा रहे थे। महाप्रभु बोले उत्तम भैया गए अधर्म सेवक अत्यव तुम ही हो जगन्नाथ कृपा भागवत, आप इतने बड़े हो करके कि झाड़ू दार का सेवा कर रहे थे। महाप्रभु देख करके हृदय से प्रसन्न हो, क्योंकि जगन्नाथ नहीं पर महाप्रभु से जगन्नाथ है, ये असल जगन्नाथ और ये सकल जगन्नाथ। तो महाप्रभु से भगवान जितने अपना राज को साफ त्याग दे करके मेरे लिए वो झाड़ू लगा रहे हैं नैन रोड के ऊपर में, महाप्रभु हृदय से प्रसन्न भैया मेरे सेवा के लिए इतने बड़े अभिमान को त्याग दे करके झाड़ू लगा रहे। महाप्रभु हृदय से भी संतुष्ट होकर चरित्र में दर्शन किए, फिर मैंने मना कर दिया था दर्शन करने को, इतने बड़े होकर करके फिर महाप्रभु ने क्या किया। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के रथ भेज रहे थे ऐसे कहते यहाँ पर प्रभुपाद का जन्म स्थान था, हम कह देंगे उसको बाद में जगन्नाथ बल्लभ रखी जहाँ पर राजधानी हो रहे थे, रथ वही रुकता है वहीं पर जगन्नाथ को तरह तरह का प्रश्न बहुत लगता है, बहुत तरह तरह का कृष्णदास को राजन वर्णना किया क्या क्या जगन्नाथ के भोग लगता है। महापुरुष राधा भाव में विवाह भी तो होकर परार ना कर पाए हूँ जहाँ राजी मदर करने के लिए वही मेरे काम प्रिय तब जिसको बड़ी जीवन से दर्शन नहीं मिला था वृंदावन पर मथुरा मथुरा से द्वारका हर साल बीत गया। कितने दिन के बाद में वही प्रिय तब मेरे हाँ श्याम सुंदर को मैंने प्राप्त किया थे। इसी भाव से महाप्रभु वो जगन्नाथ दर्शन की बाकी दादी बगीचा में महाप्रभु उसी भाव में जा सके राधा भाव में विवाह तौर पर ही मूर्ति होकर महाप्रभु गिर गए। जब गिर पड़े इतने में महाप्रभु कल हम लोग ने श्रवण किया था, जब महाप्रभु राजा को दर्शन नहीं दे रहे थे राजा महाप्रभु के भक्तों को बोले आप लोग तो महाप्रभु से बढ़कर निजर जन दें, आप हमारे हो करके महाप्रभु से प्रार्थना करो क्योंकि वैष्णव आवेदन है कृष्ण दया में भक्तों का प्रार्थना से भगवान दया करते हैं जीवों को सब प्रति, इसलिए आप हमारे हो करके महाप्रभु को प्रार्थना करो। भक्तों ने प्रार्थना किया, भक्तों ने प्रार्थना किया, अभी भक्त लोग चाह रहे हैं महाप्रभु कैसे राजा के दर्शन से कृपा करें क्योंकि ये राजा हो करके बड़ी भक्तों का सेवा करते दिन रात भक्तों को सेवा मिला देंगे, इस कई जगन्नाथ का प्रसाद मिले कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे बड़ी सेवा करते हैं हाँ भक्तों की सेवा करके अंत का हमें आपको मिलेगा। इसलिए अभी सारे भक्तों की इच्छा है महाप्रभु जी को बड़ी कृपा करें। जब महाप्रभु बेहोश होकर के राधा हार में पड़े हुए मैंने प्रसाद को जो जल चले जल चले आओ तुम्हें राज प्रसाद को छोड़ो और एक वस्त्र पहनो, अभी महाप्रभु बेहोश होकर पड़े हुए राधा हार में तुम महाप्रभु का चरण कर और चरण करवा के लिए गोपी जी खुदा। अभी मैंने भक्तों का आदेश से उन्होंने कहे और महाप्रभु का चरण दबाए, अभी तो लोग पाप को भी फटक पा रहे थे महाप्रभु का चरण की तरह मिला भक्तों का कृपा से महाप्रभु का चरण दबा रहे थे और गोपी गीत को गा रहे थे बल कैसी जन्म ना प्रज लोग पढ़े अभी महाप्रभु कौन सा भाव में पढ़े थे
कौन सा भाग में पांच राधा काम थे, राधा जी भाग तो उल्लेख हुए थे हाँ, जो लेख हुए थे राधा जी के भाग में, बल्कि गोपी जी को गोपियों ने कब डाले, जब रात करते करते कृष्ण राम को अत्याचार हो गए, अरे गोपियों ने श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते और श्याम सुंदर नहीं मिल रहे किस तरह से, कृष्ण राधा जी को स्वर्ग चले गए, फिर राधा जी को बहुत फरमाए और श्याम सुंदर कहे तो स्वर्ग चले गए, फिलहाल श्याम सुंदर को मुझे लाए और यहीं पर मेरे स्वर्ग से चले गए, क्योंकि ये दोस्त मेरी है, मैं ज्यादा प्रेम में फेंक गई, कृष्ण बोले चलो यहाँ से चलो चलो, मैंने बोले मैं नहीं कर पा रही हूँ, जैसे रात से हम मेरे उठा करके आए एक उठा कर ये दोस्त मेरी है, मैं ज्यादा जैसे पति अगर पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम कर क्या करती उसे दिल में कर बैठती है, ऐसे कृष्ण में बहुत मेरे को अभिमान हो गया, देखो कृष्ण सब गोपियों को छोड़ कर गई, कृष्ण मेरे को लेके आए, मेरे को कृष्ण कितने प्रेम करते हैं, मैं ज्यादा एक हूँ, इसलिए ध्यान सुंदर मेरे को छोड़ करके चले गए, इसलिए राधा रानी कृष्ण बिना भी पड़ी हुई राधा है, कृष्ण बिना भी और गोपी ठीक को क्यों गा रहे हैं, गाने का यही उद्देश्य है, बोले कृष्ण को उसका भजन चाह रहा है, चलो हम बैठ करके जमुना किनारे में कृष्ण के रोए ये भजन ने की ताला नहीं, कृष्ण को रो रो करके ये गोपियां पुकार रही है हा? अभी महाप्रभु जो लेट हुए क्यों लेट हुए, वही राधा नाथ ने वही श्याम सुंदर मेरे को छोड़ कर चले गए, श्याम सुंदर बड़े दिनों से मैं आज श्याम सुंदर से मिले बस श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए, उसी विराह में महापुर अभी उसी विराह में लेकर मिले हैं, विराह में लेकर कहने के जिस लोग आता है तब तथा मृतक सत्य जीवन सब, जब हृदय कृष्ण विराह में अत्यंत उत्तप्त हो जाए, इसलिए विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर ने एक एक श्लोकों में दो दो अर्थ किया है, एक अन्य और एक बेटे, एक अनुकूल रूप में सिद्धांत का अर्थ और एक अर्थ है वो कैसे एक रूप में तो कृष्ण का प्रशंसा कर रहे हैं दूसरे रूप में कृष्ण गाली दे रहे हैं, कृष्ण को प्रेम में ही वर्णन बोल रहे हैं, इसलिए कृष्ण क्यों गोपी जी किशोर में प्रसन्न होकर क्यों प्रकट हुई है, कारण है कहना बेटर सुनते हाई देवर हरे मोर मन रखती है लेकिन वो स्तुतियों में मेरे जो आनंद होता है सदा आनंद ये गोपियां मेरे को गाली देती है, ये गोपियों को गाली को जितने प्यारी रहती है वो वेद स्तुति से अगर तो प्यार नहीं है पतियों उनका प्रेम वही गाली है, ये प्रेम की गाली है, कभी जो गोपी गीत है ये गोपी गीत गोपियों की प्रेम की गाली है, एक तरफ से प्रशंसा कर रहे दूसरे तरफ ने बोले नखल गोपी का लगता है कि जसोदा नाम सुंदर की दशा में है ही, क्योंकि जसोदा हृदय से इतने दया है इतने कृपा है, जसोदा मतलब किया सबको जो जन्म देने वाली ये जसोदा है, अगर बेटे का जन्म भैया का गुण तो उसका भी होता है ना, तो लगता है कि जसोदा नाम है ही नहीं, अगर तू जसोदा का बेटा होता अरे कम से कम तेरे हृदय से दया को जसोदा मतलब सबको जो जानते सबको आदर दे, तेरे हृदय में थोड़ी सी बात है, हमें बस्ती बजा करके तुमने बुलाए, हमने घर बार पति पुत्र सबको हमने त्याग दिया तेरे लिए और तुमने क्या किया, लगता है तेरे हृदय में सही के लिए तेरे हृदय में तो दया है ही नहीं, एक तरह से प्रसन्नता और दूसरे तरफ दान है, लेकिन जो गाली है कि कृष्ण को हृदय रखता है, क्योंकि स्त्रियों का जो प्रेम करी गाली वो पति को बिल्कुल भी लगता है, इसलिए कृष्ण उसको बीच में प्रकट होते हैं, सब कथा मृतन गोपिया करती है, जो भैया कौन कहता है कृष्ण कथा अमृत है, जिनको अनुभूति नहीं वही बोल रहे सब कथा मृतन, लेकिन हमें अनुभूति है खबरदार तू कथा स्मरण कर कथा नहीं सुनेंगे तब तक संसार में सही होंगे, दीदी बच्चे पति पुत्र भी लेंगे सही होंगे, जब से तुम्हारी कहानी का कथा प्रयोग बच्चे भी रहेगा, तुम घर भी नहीं आ सकते तो आप लोग भाग भाग रहे घर में बेटा बेटी सब तो छोड़ के ना आगे समझ कर रहे आगे, लेकिन खबरदार उसकी कथा सुनेगा हाँ उसको कथा नहीं
वो तो मानने वाले कथा खबरदार कथा है समझ बोले कौन बोलते इसका कथा हम तो इसका कथा तो मानने वाले हैं तख्त जीवन हृदय उसकी कथा अत्यंत अत्यंत उत्तर कदर देता है उत्तर कदर का मतलब क्या उसको पाने के लिए उसकी कथा हृदय में सरभरा लगता है कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ प्रजन मंदिर उसको कब मिले वो कब मिले वो कब मिले हैं वो बड़े तरफराता है और तरफरा रखना जैसे ब्याज होता है दूसरे का ब्याज ब्याज क्या करता है तीर मारता है किसी अनुवार को मार करके वो तरफराता है प्रस्तुत करता है ये कन्या में तीर जैसे तरफराता है हाँ? वो प्रेम की तीर प्रेम चतुर्वर्ग की तीर मारते हैं जब भक्त उसको देना भी तरफड़ा था ना कृष्ण देव से भी मुक्त करता बहुत बहुत हाँ? ये ब्याज है कन्या तप्त जीवन बोले कभी रही तब बोले कभी लोग उनकी कथा लाल करते हैं ये कभी लोग कहते हैं उनसे आकाश पूछ लिए भैया भी आकाश का कुछ पीछा ये ना बड़ा चाहते हैं कन्या को बोलते रहते हैं ये लोग कृष्ण बना ऐसे बड़ा चाहते हैं बोलते रहते हैं बोले खबरदार ये साधु को बता सकता ये लोग क्या करते हैं बगल भगवत को पैसा नहीं लग गया भागवत तो दर्द मिल गया कोई पैसा की जरूरत नहीं केवल कथा सुनने के लिए आओ और ये जैसे खुद का घर का टिकना नहीं खुद का खाने का टिकना नहीं रहने का टिकना नहीं पहनने का टिका नहीं खूब का तो कुछ है नहीं बस सबको कथा सुना सबको भागवत रहना सबको व्यवहार सुना खुद चैन में रहने नहीं कहते और दूसरे का सुख देखते मुझे शांति नहीं होता बोले भैया इनके घर का टिका खबरदार नहीं ये कभी लोग बड़ा ध्यान रखे कन्या की कथा को बोलते रहते हैं इसलिए बोले कल में आता बोले कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाता है बोले भैया हमारे कहाँ पाप नष्ट हो जाता देखो हमको साक्षात देखो जब तक उसको प्रेम नहीं किया तब तक तो सही था जब तक प्रेम किया मेरा दुनिया में निंदा करते सारा दुनिया में क्या निंदा हो गया कि घर भर छोड़ के कन्या को पीछे पीछे ऊपर करते पति बेटे सब गाली आत्मा सब पीछे पड़ गया हमारे हैं सब के सब पीछे पड़ गए इसलिए बोले श्रवण मंगल मंगल कौन बोलता कथा सुनने से मंगल होगा श्रवण अमंगल उसका कथा सुनने से अमंगल ही अमंगल होगा घर भाई दुनिया सब छूट जाएगी तिलक लड्डू लगा लोगे सब बोले क्या करके तिलक लगा लोगे ये क्या करते पागल भाग देते हैं श्रवण मंगल जब तक कथा नहीं सुनोगे सही रहोगे तो कथा सुनना सारे अमंगल मंगल हो जाएंगे श्रवण मंगल इसलिए तीस लोगों को जिन गोपियां कृष्ण तो कहा बात कर रही कह रही है श्याम सुंदर तेरी कथा सुनने की बेटा तुम्हारी कथा उसी भाव से अभी कृष्ण को राधा राय कर चले गए अभी महाप्रभु उसी भाव से अभी ले गए राधा राय का भाव से वो श्याम सुंदर देख घुसे देने गए हैं और दूसरा अर्थ करेंगे लेकिन जब दूसरा अर्थ होता है जब कृष्ण विरह में कोई कल्पनाता है उसी समय उसको सांत्वना कौन देता है कृष्ण विरह में कड़खड़ा होगा तो उसको सांत्वना कौन देगा केवल कृष्ण कथा ही एक जिसको सुन कर उनका हृदय उत्तर का हृदय शांति मिलता है उनका हृदय प्रसन्न होता है इसलिए जब श्री राजा प्रताप रुद्र ने ये सर्व कथा मृतम सप्त जीवन बोले तो राजा वापस भी हर्ष थे हाँ उस समय कृष्ण कथा ही कृष्ण गृह में उनको सांत्वना देता है और लास्ट में क्या होगी बोले गोविंदा जना जगत में सबसे बड़े ये थे जो भी कृष्ण कथा को दान देते हैं अभी राधा रानी भाव से वहां पर ले कर लिए थे और उन्होंने गोविंदा जना जब बोले जो कथा दान करते हैं गृह अवस्था में तो सबसे बड़ा हम तो कृष्ण गृह से कड़बड़ा रहे थे तुमने वो भी गीत नहीं लेकिन तुमने हमारा खाना में रस तो भर दिया है महाप्रभु उसी भाव में थे जब उन्हें गोविंदा गोविंदा बिना बोलना
महाप्रभु एकदम प्रेम में विभोर होकर के उन्होंने राजा का प्रेम और तुमने क्या हमें रस पिलाया, क्या तुमने अमृत हमें पिला दिया। हाँ महाप्रभु अलीगढ़ के तो अलीगढ़ के राजा को क्यों अलीगढ़ किए झाड़ू लगा कहती है झाड़ू लगाकर हाल क्या है। महाप्रभु ने देख लिया मेरे लिए झाड़ू लगा रहे जगन्नाथ तो वही है मैंने मेरे लिए झाड़ू लगाया। इसलिए महाप्रभु को आत्महत्य के लिए खोल नहीं रहे। बोले क्यों खोल नहीं रहे, आज की बंद की उसको बताएगी कोई राजा जिसको मैंने बोला था ये विजयी इसको हम दर्शन नहीं देंगे जिसको बोल रहा था क्या। फिर उन्होंने आज क्यों बंद करके रखी, अगर आप खोल कर रखूंगा बोले तो मैंने कहा था राजा विजयी उसको दर्शन नहीं दूंगा और उसको दर्शन किया उसका हम आगे बंद कर रहे। फिर लोग हमें क्या बोलेंगे, इसलिए वो आग नहीं खोल रहे महाप्रभु आग नहीं खोल रहे नहीं खोल रहे आग बंद करते ये उनको आगे नहीं किया। हाँ तुमने क्या अमृत दिलाया आज मतलब हृदय से कितने महाप्रभु इतने कृपा करते हैं उन्होंने जब आग खुले जैसे राजा राजा को मैंने खोल दिया राजा को मैंने आलिंगन किया फिर चार मिलते खुदकार नहीं लगते हैं लेकिन उनके पास आलिंगन कर लिया। इसलिए यहाँ पर बोलते भैया भगवान का मंदिर में झाड़ू लगाने का ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का विशेष महत्व है। अभी हम सुनेंगे महाप्रभु कैसे भक्त लोग चले गए कैसे ये मंदिर को झाड़ू लगा रहे हैं। महाप्रभु पूरी तरह से समय धीरे धीरे जगन्नाथ का रथ यात्रा रथ यात्रा आया तो पूरा एक साल तक वो मंदिर गुंडिचा मंदिर कोई साफ सुथरा नहीं करते हैं। जो रथ यात्रा आया महापुरुष स्वयं उन्होंने ये राजा को पास से उन्होंने ये झाड़ू लगा दिया सेवा उन्होंने मान लिया बोले कृपा कर दी ये सेवा हमें दे तो बोले भैया भगवान होकर के झाड़ू लगा बोले ये कौन सा लीला है कहते महापुरुष का कोई ये विशेष लीला है लोग शिक्षा देने के लिए महापुरुष को ये लीला कर रहे हैं। इसलिए जब महापुरुष आदेश हुआ उन्होंने जो जगन्नाथ जी से और पवित्र कारकों में इनको बुलाए महापुरुष बोल रहे हैं कि झाड़ू लगाने का सेवा दो। बोले राजा का हमारा प्रति आदेश है महाप्रभु जो जब कुछ बोलते हैं उनकी सारी इच्छा पूरी होनी चाहिए कोई भी उनकी इच्छा अपनी नहीं सारी इच्छा जब पूरी होनी चाहिए। अगर महाप्रभु का एक इच्छा है हम हर तरह से कोशिश करेंगे महाप्रभु का इच्छा पूरी हो। कल गुरुचा मंदिर मार्जन है तो उन्होंने और झाड़ू मंगवाए और झाड़ू मंगवाए और उन्होंने मछली मंगवाए मछली मंगा करके अभी महाप्रभु स्वयं अपना परिक्रम को लेकर के अभी गुंडिचा मंदिर मार्जन करने के लिए जा रहे हैं। जाते समय महापुरुष स्वयं अपना हाथों से सबको उन्हें करने लगा महापुरुष स्वयं क्योंकि भगवान की सेवा करने जा रहे हैं सब उन्हें चरण लगाया चरण लगा करके महाप्रभु अपना भक्तों को साथ में गए अपना हाथों में महापुरुष स्वयं झाड़ू लगाए बोले इतने पहले पहले इतने कलकल को निकालो झाड़ू लगा करके उसके बाद में हर धूल को साफ करो और उसको बाद में पानी ला सबसे सब सबका कल में पानी लेकर के कुछ झाड़ू लगा रहे हैं और कुछ पानी लेकर खड़े तुम चल रही बाद में कोई किए हो कौन सा ही गुंडिचा मंदिर मार्जन है हाथ उठाओ तो कौन कौन गुंडिचा मंदिर गुंडिचा मंदिर मार्जन की है कौन कौन की तुम हमने नहीं तुम लोग कोई गए नहीं गए नहीं तुम लोग तो जिंदगी में क्या है यहाँ नहीं इस बार जा रही है खैर इस बार तुम जाए ना जाना अगली बार भी तुम रेडी हो गए जाना जो नहीं जा पाओगे अगली बार रेडी होना क्योंकि अगली बार जगन्नाथ का नवा फ्लेवर है बहुत सौभाग्य अगली बार पहले से ही समय को एकदम निकाल कर रखना और थोड़े दिन पहले जमा कर रखना अभी जगन्नाथ जी रथ यात्रा जाने के लिए। इसलिए कहते महाप्रभु उसको बाद में उन्होंने पानी में उन्होंने धुलाई किया अच्छे तरह से पानी में उन्होंने साफ किया पानी में साफ करके महाप्रभु अगर कोई चीज से साफ नहीं करना झाड़ू नहीं लगाना महाप्रभु को मीठी मीठी किस्म की उसको घर से नचाने देते हैं बहुत बढ़िया सेवा कर दिया दूसरे को भी यही सीखा है। ऐसे भर्सना कर रहे थे फिर महाप्रभु को ये बात को सुन करके फिर अच्छे तरह से
अक्षत्र से माँ को प्यार से भगवान की सेवा में कोई थकने का कोशिश नहीं करनी चाहिए, हृदय से महाप्रभु की सेवा हृदय से करनी चाहिए महाप्रभु सेवा। और महाप्रभु बोले देखो जो धन काम साफ सुथरा करेगा ना उसको तरफ से सिखाना, मतलब उसको दंड है। क्या दंड है भक्ति जगत में? मतलब भैया भक्ति जगत में बहुत बढ़िया दंड है। क्या है? मतलब सबको मुक्त कर दिया। मतलब भक्ति जगत में कम दिखाई देता है, दंड में जो कहें बुरी चीज है, लेकिन भक्ति जगत में जो दंड है क्या दंड है? प्रसाद स्वरूप दिया। यह कितना बढ़िया इतना भी भक्ति जगत में सभी सभी लिखा है। इसलिए आज रघुनाथ सही किया महोत्सव आज है, आज गजी पूरा महोत्सव है। आज का भी जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महापुरुष प्रेम में दीवाना बन करके, साधारण लोग का धारणा है ये साधु संत पद बनता है, मतलब जिनके घर में कोई काम धाम है नहीं, खाने का रहने का कोई ठिकाना नहीं, जो कुछ होता है साधु संत बन करके चल जाते हैं, जिस वृंदावन में भीख मांगते रहते हैं वृंदावन में, लेकिन ये साधारण लोगों का ये भावना है नहीं भैया। जो जन्मांतर भय तो पुण्यम, बहु नाम जन्म नाम ज्ञानवान नाम प्रबदंते वासुदेव सरवती महात्मा से बुझा लो। करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो कि भगवान की भक्ति करने वाले हैं महाप्रभु, जिसको रूप शिक्षा में महाप्रभु कहते हैं, जगत किसी से धूल बना कर देख सकते हैं, जीव का हम नहीं देख सकते हैं, उसमें किसी सौभाग्यवान को ये मानव शरीर मिलता है, उसमें कोई देव को मानते हैं जैसे मुंह में लेकिन साथ में नहीं मानते हैं, उसमें कोई कोई विरल व्यक्ति उसमें कर्म में आते हैं, कर्म कर्मी में कोई एक आते हैं, एक ज्ञानी में कर्म ज्ञानी में कोई एक एकदम भगवान का भक्त बनते हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी घर में क्या था स्थिति, उनको जो स्त्री है वो अक्सर जैसे उनका स्त्री है, अल्सर जो कितना इंद्र सुंदर अल्सर इंद्र का अल्सर है, इतने उनका चिंता में घर में जिस पैसा की कोई हा नहीं, पत्नी भी इतने बढ़िया प्रेम थी। जब कोई महापुरुष का प्रेम कोई दीवाना बनता है तब उसको इस जगत का कोई चीज भी नहीं रह सकता। जितने महापुरुष का भक्त देखो सुख गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहा मंत्री है, कहा नरोत्तम दास का भी राजा कर लेते हैं, जी गोस्वामी के भी राज परिवार में आए हैं, जितने महापुरुष के भक्त है कहा, और किसी जगह में तो राजा लेकिन दूसरी जगत में गोलोक वृंदावन में मंदिर सखियां ये सबके मंदिरी सबके कभी सखियां ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उन्होंने बारंबार महापुरुष को प्रेम की, पागल होकर के बारंबार घर छोड़कर के महापुरुष के पास में चले जाते हैं। मैया से क्या कर रहे हो कि बारंबार भाग जाता फिर आप पकड़ पकड़ कर लाते हो, उसका हाथ प्यार में लोहे की जंजीर बांध कर रखवा दो, लोहे की जंजीर में बांध दो उसको। उन्होंने उनको पिताजी ने कहा तुम्हें क्या बोले, बोले जगत में सबसे बड़ा जो बंधन है दो चीज जगत में सबसे बड़ा बंधन है, एक पैसा है और एक स्त्री है। इसलिए जो जबरदस्त बंधन है आप देखना जब तक शादी नहीं किया तब तक कहीं मिलकर शादी हो गया वो एक एक बंधन है, थोड़ी सी भी सस्ते मत नहीं हो सकता, सस्ते मत नहीं हो सकते हो, इतने जोर जबरदस्ती बंधन हो गए। फिर बच्चे हो गए तो और बंधन है, यदि ये सबसे ये जीवन का बंधन है, और जो लोहे को जो जंजीर को तो जग है वो तो जग है वो क्या बात देगा, जब जीवन का बंधन उसके बाद नहीं पाया। बोले महाप्रभु पासु ताकि के राशि के बारे महापुरुष का प्रेम जो दीवार में बनता है जगत में उनको कौन बांध सकता है। जब ये महापुरुष पास में बारम्बार जाते थे और उनको बारम्बार पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं, जब पकड़ पकड़ कर ले आते हैं, एक दिन नित्यानंद प्रभु एक स्थान है, हम लोग गए बहुत दिन पहले हम लोग गए यहाँ पर महाप नित्यानंद प्रभु आए थे, हम लोग गए और जहाँ पर दंड महोत्सव किया मुझे लगता हम लोग नहीं गए, हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पर बहुत अच्छे आस पास में और बढ़िया बढ़िया चीज है, इसलिए पानी पानी घाट एकदम गंगा रहे वहाँ पर
सुंदर बरगद का वृक्ष पर जिसको नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, जब श्री नित्यानंद प्रभु वहां पर आए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उनको पास में गए। जब जाकर उनके चरण में सिद्धा लेट गई, नित्यानंद प्रभु बोले बोले छोरा इतना जेल में तू पकड़े में आए, नित्यानंद प्रभु चोर चोर बोले बोले इतने दिन तक कहां भाग रहा था और कितने दिन में तुम यहाँ पर आए हो, तेरे को आज मैं दंड दूंगा। तो खुश तो होंगे क्योंकि भक्तों का भगवान का दंड पाना बड़े आश्चर्य से कई भक्तों का दंड मिलता है। अगर कहीं भक्त लोग गुरुदेव वैष्णव लोग अगर हम कहीं शासन करते हैं, ये सौभाग्य बात समझनी चाहिए। हमें वैष्णव लोग गुरुदेव ने शासन किया है, साधारण भाग्य से गुरु वैष्णव का शासन हमें नहीं मिलता है। किताब तक इसको शासन करते हैं जिसको अपना मन पराये मानने का शासन नहीं करेंगे, दूसरों को शासन करते हैं, दूसरों को शासन नहीं करते हैं, वो अपना अपना जन को ही वो शासन करते हैं। इसलिए वैष्णव का जितने शासन मिलोगे इसलिए उतना ही कल्याण है। इसलिए श्री वृंदावन का शासन कहते हैं मैंने नित्यानंद प्रभु का मैंने इतने महिमा मैंने गाई है, इतने महिमा नित्यानंद प्रभु गाई है। अगर कोई कहे नित्यानंद प्रभु का नाम पर उल्टा सीधा बोल दे उसको तीव्र में हाथ ना, तो भूपाल जी का भैया वैष्णव हो करके ये सब मैं उसको लाल तीव्र लाल मारता, तो भूपाल जी कहते हैं भैया वैष्णव का लाल क्या साधारण का भी मिलना है, वैष्णव का लाल अगर मिल गया तो मैं उसमें बेड़ा ही पार हो गया है, क्योंकि वैष्णव का शासन सबको बड़े लग गया है, वैष्णव का शासन आपको मिला है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु बोले आज तुमको मैं दंड प्रदान करूंगा। ये क्या दंड, मेरे जितने भक्त है मेरे जितने परिवार भक्त है उनको पीड़ा कर दिया। बंगाल में बहुत प्यारा कहना, बिहार में तो बहुत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बिहार के लिए, सबसे ज्यादा वहां पर तो सबको पहले पीड़ा देगा, बढ़िया रूप में पीड़ा देकर आएगा तो बहुत बड़ा स्वागत है। मैं कई ऐसा कभी कथा करने के लिए बिहार में कथा करने के लिए कहते हमें घर घर में बुलाए, जब बुलाए सबसे मैंने कहा यहाँ पर सबसे प्यारा खाना था बोले कीड़ा थे, कीड़वा थे तो कीड़वा तो भी फर्क होता है, उसको धो करके इसमें दही डाल देते हैं, दूध दो तरह से करते हैं, एक दूध दूध से एक दही से, और उसमें आम डाल देते हैं, केले डाल देते हैं, चीनी डालते हैं, सब पपूर डालते हैं, उसको डाल करके और उस पीड़ा दही फिर उसको साथ में क्या जलेबी एक रसगुल्ला और उसे सब्जी बनाते हैं, मटर आलू और उसमें टमाटर दे करके सब्जी बनाते हैं, क्योंकि वो मीठा जितना नमकीन है वो हजम करवाता है। इसलिए ये खाना वहाँ पे सबसे बढ़िया खाना वहाँ पर, लेकिन लगता है आप लोग अच्छा नहीं लग गया क्योंकि आप लोगों ने कभी ये चीज़ खाए नहीं। हाँ अच्छा आप लोग ना, हाँ ठीक है आपको देनी चाहिए, उसमें बढ़िया करके चीनी दही कुछ डाल करके उसमें उसमें दूध डाल करके इसलिए उन्होंने हाँ जगह बना के बढ़िया है, आज उनको खाएगा बढ़िया है। इसलिए उन्होंने बोले आज मेरे भक्तों को तो दर्द मिला सही दिया, सब भक्तों को दिया वो इतने खुश हो गए है तो बड़े पैसा वाला थी। जब ये बात सुने मेरे को उन्होंने दंड किया है, मेरे वैष्णव सेवा है, भक्तों का सेवा, महाप्रभु का सेवा, नित्यानंद उन्होंने नाव में भर करके खीर वाला है और दही दूध और अंडे संदेश मित्र वहां का मिठाई बहुत बढ़िया, वहां संदेश मंत्र वाला खाए ना तो संदेश दे दिया आपको मिठा कुछ नहीं तो इतने मिठाई कुछ प्यारा लक्षण वहां का संदेश बहुत बढ़िया है, वहां वहां का रसगुल्ला भी बहुत बढ़िया प्रसिद्ध है। आप इधर का रसगुल्ला खाना और गंगाल का रसगुल्ला खाना, दादोल वहां का रसगुल्ला है बहुत बढ़िया रसगुल्ला होता है, और वो जो खजूर का दूर में भी रसगुल्ला बनाते हैं वो और टेस्टी है। इसलिए उन्होंने नाव में भर कर लाए और पात्र मिट्टी का पात्र लाए, ला करके दो जगह पर अलग अलग एक जगह पर दही पीड़वा एक जगह पर दूध पीड़वा, गर्म दूध में दूध पीड़वा छोड़ देते हैं उसमें घी आता है और उसमें केला और चीनी आम देकर उसको बनाते हैं। उन्होंने खूब बनाए, बना करके उन्होंने सब बन गया,
बन करके निशानंद प्रभु पर पात्र में दो ठाकुर को भोग लगाएंगे हाँ, तो ठाकुर को भोग लगाएंगे बोले महाप्रभु से ये ही सही जगह पर रखो। चैतन्य महाप्रभु कहाँ नहीं, महाप्रभु तो पूरी तरह पूरी में तब ये हो रहे बंगाल में, बंगाल में बोले महाप्रभु के लिए पात्र में भोग लगाओ और निशानंद प्रभु सब भक्तों के लिए। फिर निशानंद प्रभु वहीं बैठ बैठ करके महाप्रभु को स्मरण करते बोले प्रभु आपकी आओ और प्रसाद दिया कृपा। जब महाप्रभु को स्मरण किया भंडार में महापुरुष साक्षात महापुरुष साक्षात रूप में वहां पर आ गए हैं, हृदय से जब बुलाए महापुरुष साक्षात उपलब्ध हुए और सबके साथ में ये लीलानुभव ने देख पाए। विशेष विशेष व्यक्तियों ने देखा महाप्रभु का पुरुष से यहाँ पर आकर महाप्रभु प्रसाद पाए, सब भक्त लोग प्रसाद पाए। और जब सुना रघुनाथ दास को संत जल्दी पीड़ा दे रहे हैं इतने लोग आए वहां पर बेचने के लिए सर्दी पीड़वा सकते उसको, और उसको बेचने के लिए आ गया ना ऐसा दोनों काम होता, बेचना भी हो गया फिर खाना भी हो गया क्योंकि सब लोग उत्सव दे रहे थे, दोनों काम हुआ तो बेच भी रहे खा रहे और सारी तरफ में भक्त 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 दही पीड़ा खा रहे वो वहां का मीठी बात होता है। और इतने लोग हो गए खड़े हो गए तो खड़ेगा नहीं अरे गंगा नदी में उतर गए और गंगा बह रही ना वो पानी में उतर करके हाथ में उठा रहे हाथ में ले रहे पानी पानी पर तैरने महाप्रभु ने सारे भक्त लोग खुश हो प्रसन्न हो गए भक्त प्रसन्न होकर के हृदय से सबके सब आशीर्वाद दिया। इसलिए भागवत ने बताए भगवान कह रहे अगर मुझे कोई संतुष्ट करना चाहते हो मुझे कोई संतुष्ट करना चाहते हो सबसे जल्दी मैं कैसे संतुष्ट होता कहते मेरे भक्तों का हृदय क्योंकि भक्तों का हृदय में भगवान बैठे हुए रहते हैं। क्योंकि भक्त संतुष्ट हो जाता है कहते भगवान संतुष्ट अपने आप भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए बोले वैष्णव हृदय का गोविंद विश्राम गोविंद सकने मामा वैष्णव प्रणाम भगवान भक्तों का हृदय में बैठते हैं। भगवान स्वयं कहते जो वैष्णव है मेरे प्राण है वैष्णव है हाँ, इसलिए हरि स्थान अपराध है सारे हरि नाम समा स्थान अपराध नहीं कर यार भगवान के चरण में अपराध करो भगवान माफ कर देते हैं क्योंकि वैष्णव चरण में करो फिर वो माफ नहीं होता। इसलिए दुर्गाता जी को पता नहीं ब्रह्म लोग तीस लोग वैकुंठ लोग भी तक जाना पड़ा वहां से भी गए अमृत कुमार के पास में वापस आना पड़ गया था। इसलिए सारे भक्त लोग प्रसन्न हो गए नित्यानंद प्रभु तो श्री पर चरण रखे रघुनाथ दास भगवान की श्री पर उन्हें चरण रखे बोले सब भक्तों को बोले सबके सब रघुनाथ का आशीर्वाद दो सबके सब भक्त लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया तो काम नहीं। अभी तक तो वो महाप्रभु के पास में जाते थे और उसको पकड़ पकड़ के लाते थे इसलिए वो बोले चोरा चोरा मतलब क्या इस चीज को बिना बोले उसके चीज को लेना चोर करते हैं। बल्कि ये कभी राधा कृष्ण पीछे हैं बोले राधा कृष्ण तो मेरा ही धर्म है इसलिए कहते ना नीता निताई पद चंद्र जेठायाय जद सजोरा हेतानिताय प्रेमाय राधाकृष्ण पायते नमामि दृढतये धरणिताय पाय निताय करुणावे व्रजे राधाकृष्ण पावे धरणिताय चरण राधा कृष्ण अगर नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा तो राधा कृष्ण हमें मिल नहीं सकते हैं। जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई फिर उसको बाद में रघुनाथ दास को और अंदर घर में नहीं घुसते थे उनको घर को बाहर
एक काली देवी मंदिर था, नाथ मंदिर था, वो वहीं पर सोते थे और चारों तरफ प्रहार लग रहे थे, जिन्हें भाग दी जाए। इसने हठात किया हुआ वो पुजारी कोई नहीं आया, उनको गुरु जी ने कहा आज पुजारी नहीं आया, पुजारी को बुलाना पड़ेगा। बोले गुरु जी आप और हमें बुला लेते हैं चाहे लंका। बात उस समय जो पहरादार थे जो जग रहे थे वो सो गए। बात महाप्रभा जी है पुजारी को बुलाने के लिए, पुजारी को बुलाने का बहाना में सिद्धा देना और मेन रोड में बिना रोड में जंगल जगह में एक्टर उन्होंने 12 दिन में उन्होंने चलते चलते जगन्नाथपुर में तो 3 दिन उन्होंने इसी तरह की तरह का भोजन करके फिर महाप्रभु के पास में जाते हैं। जब महाप्रभु के पास में आए महाप्रभु बोले ठाकुर जी की तुम्हारे ऊपर विशेष विशेष कृपा है, तेरे को ये विषय की गर्भित गड्ढे से तुमको निकाल करके ले आए हैं, कि संसार को नरक में तेरे को ठाकुर जी ने निकाल दिया है। उसके बाद में फिर उन्होंने जगन्नाथपुर में रहे है उनको विचार होने के लिए, फिर उनको सेवा करने के लिए उन्होंने कुछ ब्राह्मण सेवक को भेजा, फिर कुछ दिन ग्रहण करके फिर उन्होंने स्वीकार नहीं की। इसलिए आज जो क्रीड़ी महोत्सव आज है क्रीड़ी महोत्सव है, तेरा कहीं होंगे इसलिए उन्होंने आज क्रीड़ी महोत्सव है। आज कभी नित्यानंद ठाकुर रघुनाथ दास भगवान को उन्होंने आशीर्वाद और उन्होंने कृपा की थी, इसलिए नित्यानंद प्रभु हमारे पर भी कृपा करे, हमारा भी विषय बनना हमारा भी खत्म हो जाए, संसार की बनना हमारे भी खत्म हो जाए। इसलिए सबके सब श्री नित्यानंद प्रभु के चरण में सबके सब प्रार्थना करे और नित्यानंद अभिन्न सर्वश्री गुरुपाद बनना, इसलिए उनके चरण की हम प्रार्थना करें उनकी कृपा हो। इसलिए बोलते हैं इसमें कहते ना गौरंग बोलते हरी हरि बोली ज्ञानी नंदन गौर हरी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुगम चक्र की सिदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर सिदाय गौर प्रेमानंदे हरि